आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो दिव्यांगता के क्षेत्र में और पुनर्वास के क्षेत्र में सभी को जानना आवश्यक है। तो दिव्यांगता एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति के साथ लंबी अवधि में उसकी भौतिक, मानसिक एवं बौद्धिक स्तर पर उसको प्रभावित करती है। और अगर हम लोग ये देखें कि वो सामान्य व्यक्ति जो उसके सम उम्र व्यक्ति है उसके साथ अगर तुलना किया जाए उसके विकास को, तो निश्चित रूप से कम पाया जाता है। तो इस प्रकार की एक परिभाषा जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो जारी कन्वेंशन है उसकी अध्याय एक में जो परिभाषा दी गई है कि डिसेबिलिटी इंक्लूड दोज पीपल हु हैव लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इंपेयरमेंट विच इन इंटरेक्शन विद वेरियस बैरियर्स मे हिंडर देयर फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी ऑन एन इक्वल बेसिस विद अदर्स। इसका तात्पर्य यह है कि दिव्यांगजन एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको सामान्य व्यक्तियों के साथ विभिन्न बाधाओं की वजह से उन्हें पूर्ण एवं सहभागी बनाना मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोगों को, आप लोग भी कई दिव्यांगता की परिभाषा सुने होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन ये दिव्यांगता की जो परिभाषा है ये UNCRPD या UN कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 2006 की आर्टिकल नंबर 1 जिसको कहते हैं उसके में ये बताया गया है। तो ये सबको जानना आवश्यक है। उसके साथ साथ हम लोग को ये भी जानना जरूरी है कि पुनर्वास क्या है। पुनर्वास एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में हम लोग व्यक्ति को यथासंभव भौतिक, शैक्षिक एवं अन्य पुनर्वास की प्रक्रिया में शामिल करते हैं जो एक लंबी समय तक चलती रहती है। और उसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि उसकी जो भी समस्याएं हैं उसको कम करना और उसको समाज की मुख्य धारा में शामिल करना। और वो स्थिति ऐसी है कि जिसमें विभिन्न व्यवसाय, जैसे अगर हम बात करें श्रवण दिव्यांग बच्चों में, तो श्रवण दिव्यांग बच्चों में सर्वप्रथम ENT डॉक्टर, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट आदि की जैसे बहु विशेषज्ञ दल की आवश्यकता होती है। तो उस प्रकार से अलग अलग दिव्यांगता के क्षेत्र में अलग अलग दिव्यांग होते हैं जिनको हमें समाहित कर उनकी पुनर्वास को तेजी करना है। लेकिन अगर हम ये दोनों को ये देखें तो दिव्यांगता की पुनर्वास समय के साथ कैसे बदलाव हुआ है, दिव्यांग व्यक्तियों की स्थिति में किस प्रकार से बदलाव हुआ है। जब सबसे पहले हम लोग उनको विकलांग कहते थे, अब उनको दिव्यांग कहने लगे हैं। पहले उनको हम लोग अलगाववाद अर्थात उनके लिए अलग व्यवस्था करते थे, अब उनके लिए समावेशन की सोच रहे हैं। और इस प्रकार से अगर हम देखें कि पहले हम लोग केवल उनको दया, सहयोग या सहानुभूति की नजर से देखते थे, बट वर्तमान ये जरूरी है कि उन्हें सशक्त बनाने की जरूरत है अर्थात उनकी सशक्तिकरण की आवश्यकता है। तो हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि दिव्यांग व्यक्तियों की स्थिति में समय के साथ साथ कैसे बदलाव हुआ है। उनको जानकारी करने के लिए हमें दिव्यांगता के क्षेत्र में विभिन्न प्रतिमान की जानकारी आवश्यक है। दिव्यांगता की प्रतिमान अर्थात मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी से तात्पर्य यह है कि वो मॉडल हम लोगों को ये बताता है कि समय क्रम में किस प्रकार से दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति समाज का दृष्टिकोण रहा है और समाज के विभिन्न सुविधाएं उनको प्राप्त हुई है। इसके लिए हम लोग को जानना जरूरी है कि दिव्यांगता के विभिन्न प्रतिमान कौन से हैं और ये दिव्यांगता के प्रतिमान की जानकारी प्राप्त करने से हम लोग को फायदा क्या होगा। जनरली हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम जब अगर पुराने समय के देखें, पौराणिक समय, तो धृतराष्ट्र, मंथरा आदि चरित्रों को आपने देखा होगा, तो वो लोग भी दिव्यांग थे, लेकिन उनकी शिक्षा क्या थी, उनके पुनर्वास के लिए कौन से प्रयास किए गए थे, उसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है। परंतु हमें जो ऐतिहासिक रूप से जो दृष्टांत देखने को मिलते हैं वो है ईसा पूर्व, ईसा के काल में और आधुनिक युग में और वर्तमान जो पराधुनिक युग है उसमें हम लोग दिव्यांगता की स्थिति को अलग अलग प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मॉडल्स की जानकारी या प्रतिमानों की जानकारी से क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहला फायदा होता है कि इससे दिव्यांगता को हम परिभाषित कर सकते हैं। दिव्यांगता को परिभाषित करना मतलब कि
अगर आप पुराने समय में देखें उनकी कमियों को देखा जाता था, लेकिन वर्तमान में उनकी क्रियात्मकता को देखी जाती, अर्थात व्यक्ति कितना कार्य कर सकता है उस आधार पर उसकी दिव्यांगता को निर्धारित किया जाता है, लेकिन ये पहले नहीं किया जाता था। WHO ने अपनी ICF के द्वारा 2002 में इसको परिभाषित किया है कि जो बॉडी की स्ट्रक्चर है, बॉडी की फंक्शंस हैं, जो ऑर्गन लेवल पे जो भी हमारे इम्पेयरमेंट्स हैं उसके आधार पर हम लोग दिव्यांगता को डिसाइड करते हैं। पहले ये नहीं होता था, पहले ये होता था कि सब्जेक्टिव असेसमेंट होता था, लेकिन वर्तमान ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि व्यक्ति में दिव्यांगता की स्थिति क्या है। दूसरा कि प्रतिमानों की सहायता से दिव्यांगता के कारण एवं व्यक्तियों की जिम्मेदारियों को सुनिश्चित किया जा सकता है। अलग अलग समय में अगर आप देखें वर्तमान में अभिभावक बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत तत्पर है, लेकिन पहले ये नहीं होता था। तो पहले व्यवसाय के ऊपर छोड़ दिया जाता था कि वो जो करेगा वही करेगा, हम लोगों को कुछ नहीं करना, लेकिन धीरे धीरे उसमें बदलाव हुआ है। तो ये दिव्यांगता की प्रतिमान की जानकारी होने पर हम लोग दिव्यांगता के जो विभिन्न कारण हैं और जो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला कार्य है उसके बारे में हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं। तीसरा है कि प्रतिमान की जानकारी होने से हम दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं के बारे में भी जानकारी कर सकते हैं। आवश्यकताओं से तात्पर्य है कि किसी की संप्रेषण संबंधी आवश्यकता हो सकती है, किसी को गतिशीलता संबंधी आवश्यकता हो सकती है, किसी को देखने से संबंधित आवश्यकता हो सकती है, किसी को पढ़ने से संबंधित आवश्यकता होती है। इस प्रकार से अलग अलग आवश्यकताएं हैं। तो अगर हम दिव्यांगता की विभिन्न प्रतिमानों की जानकारी प्राप्त करेंगे तो हम दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और इसके अलावा अगर हम दिव्यांगजनों के लिए नीति भी बनाना चाहेंगे, नीतियों का निर्माण या उनके लिए जो क्रियान्वयन, नीतियों का क्रियान्वयन, वो भी एक आवश्यक तत्व है। नीतियाँ जिस आधार पर बनाई जाती है, सर्वप्रथम उनकी ग्रासरूट लेवल पे जो दिव्यांग व्यक्ति है उनकी आवश्यकताओं को नीति में शामिल किया जाता है कि उनकी वास्तविक भौतिक आवश्यकता है, उनकी शैक्षिक आवश्यकता है, उनकी रोजगार की आवश्यकता है, उनके लिए वकालत की आवश्यकता है या उनके लिए खेलकूद की आवश्यकता है, मनोरंजन की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें हम लोग दिव्यांगता की विभिन्न प्रतिमान की जानकारी होने पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न संकायों का निर्धारण होता है कि कौन से संकाय किस दिव्यांगता के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे अगर आप कभी इस नाम सुने होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी श्रवण बाधिता विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट यानी दृष्टिबाधिता विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी बौद्धिक दिव्यांग विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी यानी क्लिनिकीय मनोविज्ञान। तो इस प्रकार की जो डिसिप्लिन्स हैं वो किस कौन सा डिसिप्लिन किस दिव्यांग के बारे में, जैसे ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी है, जैसे फिजियोथेरेपी है। दिव्यांगता की प्रतिमान के द्वारा भी व्यक्तियों को अपनी आत्म पहचान करने में या निर्धारण करने में मदद मिलती है, क्योंकि जैसे मुझे पता चलेगा कि मेरी समस्या सुनने से संबंधित है, मेरी समस्या देखने से संबंधित है, या मेरी समस्या जो है चलन गत्यात्मकता से संबंधित है, तो मैं अपनी आत्म पहचान कर पाऊँगा कि मुझे क्या समस्या है। इसके अलावा इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। नेगेटिव एस्पेक्ट मतलब यह है कि इससे पक्षपातिता में जो बायसनेस है या जो डिस्क्रिमिनेशन है या विभेद है वो भी बढ़ता है। तो इसलिए प्रतिमान केवल सकारात्मक भी नहीं है, प्रतिमान नकारात्मक भी है, क्योंकि अगर आप विभिन्न प्रतिमानों को जो हम लोग आगे अध्ययन करेंगे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद आप हर प्रतिमान की अच्छाइयाँ या उसकी कमियाँ आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग पहले जो प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक जो प्रतिमानों को हम अध्ययन करेंगे, सबसे पहला प्रतिमान को हम जो अध्ययन करेंगे वो है धार्मिक या नैतिक प्रतिमान, या जिसको रिलीजियस या मोरल मॉडल कहते हैं। ये सबसे पुराना प्रतिमान है और इसकी जो पैरोकार है वो सारी धर्म है, व्यक्तियों की जो नैतिक विकास है उससे संबंधित है। क्योंकि अगर आपको मैं कुछ उदाहरण दूंगा, जिस उदाहरण को समझने के बाद आप उस प्रतिमान के बारे में समझ पाएंगे कि सभी धर्म ये मानते हैं कि ये पूर्व जन्म का पाप है। दिव्यांग होना, किसी परिवार में दिव्यांग बच्चा पैदा होना, हम लोग सोचते हैं कि उसने पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ पाप किया होगा, इस वजह से इसके घर में ऐसा बच्चा पैदा हुआ। तो ये सभी धर्मों में लगभग है, केवल
किसी निश्चित धर्म में की बात हम नहीं करेंगे कि प्रत्येक धर्म में है कि हम हर धर्म में ये मानता है कि पूर्व जन्म के पाप के कारण उसके घर में या उसको जो कर्म है वर्तमान में वो निश्चित रूप से आने वाले जो समय जन्म होगा, क्योंकि सब लोग पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म और भविष्य के जन्म के ऊपर विश्वास करते हैं, तो उसमें जो वर्तमान आप जो कर्म कर रहे हैं आपको उसका जो फल है अगले जन्म में मिलेगा, ये कहा जाता है। तो ये धार्मिक प्रतिमान, नैतिक प्रतिमान की अगर हम बात करें तो ऐसे यूनानी समुदाय होते थे या जो पहले ज्यादातर लोगों के घर नहीं हुआ करते थे वो घुमंतु समुदाय कहलाते थे। तो उन घुमंतु समुदाय में क्या होता था कि वो लोग दिव्यांग व्यक्तियों को साथ में एक जगह से जब दूसरी जगह शिफ्ट होते थे तो वो लोग साथ में लेकर नहीं जाते थे। उसका कारण था कि उनको लगता था कि ये हमारे लिए खाना इकट्ठा नहीं कर सकता है। तो इसीलिए वो लोग क्या करते थे कि इन लोगों को एक जगह पे जब दूसरे जगह जाते थे छोड़ के चले जाते थे। और यूनानी सभ्यता के बारे में जो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वो लोग बहुत योद्धा है, युद्ध लड़ते थे, लेकिन आप जैसे अगर उनके समाज के बारे में सोचेंगे कि जब दिव्यांग बच्चा पैदा होता था तो उसको तुरंत मार देते थे, क्योंकि उनको चाहिए योद्धा और दिव्यांग व्यक्ति युद्ध नहीं लड़ सकता, इसीलिए वो लोग उसको मार देते थे। और जैसे हमारे दार्शनिक प्लेटो है, अरस्तु है, ये लोग भी नेगेटिव एटीट्यूड रखते थे। प्लेटो कहते थे कि इन लोगों को जंगल में ऐसे जगह पर छोड़ दिया जाए जहाँ पर ये लोग समाज से दूर रहे। अरस्तु ये कहते थे कि ये जो बधिर है ये मूर्ख है और इनको कोई चीज नहीं सिखाया जा सकता है और इनको तुरंत मार देना चाहिए, इस प्रकार की विचारधारा उस समय होती थी। तो ये जो धार्मिक या जो नैतिक प्रतिमान है इसके बारे में इन उदाहरणों से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये प्रतिमान उस समय चलता था जिस समय हमारे समाज में शिक्षा की स्तर बहुत न्यून होता था। नैतिक प्रतिमान के बाद जिस प्रतिमान का हम चर्चा करेंगे वो है धर्मार्थ प्रतिमान या चैरिटी मॉडल। यूरोप में कुछ देश में ये प्रतिमान सर्वप्रथम शुरू हुआ, जिसमें ये देखा गया कि वो लोग ये मानने लगे कि ये जो है दिव्यांगता किसी मतलब उनके प्रति जो दृष्टिकोण था वो दृष्टिकोण में काफी बदलाव हुआ। उस दृष्टिकोण में बदलाव होने का कारण था उनका ये मानना था कि उन्हें दया और सहानुभूति की आवश्यकता है और दिव्यांगता एक अपवित्र स्थिति है और बुरी आत्मा का प्रभाव है उन पर, तो इसलिए उनको अलौकिक शक्ति द्वारा उनकी इलाज किया जाए। क्वीन एलिजाबेथ जो कि इंग्लैंड की महारानी थी उन्होंने दिव्यांग लोगों को असहाय गरीब का नाम दिया। असहाय गरीब, उन इंग्लैंड में तीन प्रकार की गरीब हुआ करते थे, उन तीन प्रकार की गरीब में तीसरे स्तर की जो गरीब हुआ करते थे जो निम्न स्तर की उनको असहाय गरीब कहा जाता था और दिव्यांग व्यक्तियों को उस असहाय गरीब की स्थिति में उन्होंने रखा। इन दो प्रतिमानों के बाद हम लोग तीसरे प्रतिमा जो कि दिव्यांगता के क्षेत्र में मील पत्थर के रूप में माना जाता है, क्योंकि दिव्यांगता की स्थिति को उसके कारण को पहचानने के लिए यह प्रतिमान उत्तरदायी हुआ और इस प्रतिमान का नाम है मेडिकल मॉडल या चिकित्सीय प्रतिमान या जिसको फंक्शनल मॉडल या क्रियात्मक प्रतिमान के रूप में हम लोग जानते हैं। तो जितने भी दुनिया भर की जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं उन्होंने जैसे जैसे अपने क्षेत्र में अध्ययन को वृद्धि किया तो दिव्यांगता को भी उन्होंने शामिल किया और दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में भी उन्होंने अध्ययन करना शुरू कर दिया, उसके कारण, उसकी रोकथाम हेतु अनेक प्रयास किए गए। ये उनका मानना था कि व्यक्ति में दिव्यांगता के कारण अनेक हो सकते हैं और जिसकी पहचान विभिन्न आकलन के द्वारा किया जाना संभव है और ये आकलन व्यक्तिनिष्ठ भी हो सकते हैं और वस्तुनिष्ठ भी हो सकते हैं और इसका निदान जरूरी है, क्योंकि जितने जल्दी हम लोग दिव्यांगता की निदान करेंगे उतने ही जल्दी उसके पुनर्वास को हम लोग शुरू कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जितने भी पुनर्वास के उपाय है वो निदान के उपरांत ही निर्धारित किए जाए और आप जितने भी यूरोप में इस प्रकार की प्रतिमान को शुरुआत किया गया और ये देखा गया कि वहाँ के जो चिकित्सा विशेषज्ञ थे वो लोग शैक्षिक रूप से या पुनर्वास गतिविधियों के द्वारा वहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं शुरू की। लेकिन एक इसकी जो कमियां हैं ये दिव्यांग चिकित्सीय प्रतिमान दिव्यांग व्यक्तियों को जो शब्दों का नाम दिया वो
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नकारात्मक है, जैसे इनवैलिड, क्रिपल, स्पास्टिक, हैंडीकैप और रिटायर्डेड, ये सब मेडिकल साइंसेस की देन है, क्योंकि व्यक्ति को उसकी स्थिति के अनुसार मेडिकल साइंस इस प्रकार की नाम से निदान किया या उनका नामकरण किया। चिकित्सीय प्रतिमान का दूसरा पक्ष क्रियात्मक पक्ष है। चिकित्सा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि दिव्यांगता भौतिक, चिकित्सीय या संज्ञानात्मक कमी के कारण घटित होती है, जिससे व्यक्ति की क्रियात्मकता प्रभावित होती है। इस प्रतिमान में दिव्यांगता को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है, भले ही उसकी जो पक्ष है, लेकिन कुछ सकारात्मक पक्ष भी है चिकित्सीय प्रतिमान की। जैसे इस दौरान दिव्यांगजनों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किए गए। पेड्रो पोंस डे लियोन, जुआन पाब्लो बोनेट, जॉन बुलवर, चार्ल्स माइकल डिलेपी, थॉमस ब्रेडवुड, सैमुअल हेनिके, वैलेंटिन हॉय, सिकार्ड, जियान मार्कर गास्पार गिटार्ड, फ्रेडरिक मॉरिस हिल, एडवर्ड सेगुइन, मेरिया मंटेसरी आदि विशेषज्ञ दिव्यांगजनों के लिए अलग अलग कार्यक्रम शुरू किए, जो उनकी शैक्षिक पुनर्वास के लिए मील पत्थर साबित हुआ। तो ये चिकित्सीय प्रतिमान, निश्चित रूप से हम इसको एक मील का पत्थर मानते हैं, इसलिए है कि जो धार्मिक प्रतिमान या जो नैतिक प्रतिमान या जो धर्मार्थ प्रतिमान से इतर, इसमें दिव्यांग लोगों को स्वीकार तो किया गया समाज ने और उनके निदान की ओर कोशिश किया। उसके बाद हम चौथा प्रतिमान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका नाम है सोशल मॉडल या सामाजिक प्रतिमान। दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक बहिष्करण एक मुद्दा है, क्योंकि अगर आप मेडिकल साइंस की बात करें तो मेडिकल साइंस भी उनको सेग्रीगेटेड सेटिंग में ही रखता था, तो सामाजिक बहिष्करण होने से, सोशल आइसोलेशन होने से उनकी जो समस्या होती थी उसको सामाजिक प्रतिमान के बारे में सोचने वाले विचारक विचार किए और उन्होंने सामाजिक संबंध सिद्धांत को विकसित किया, क्योंकि हर व्यक्ति का समाज के साथ संबंध होना जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति के क्रियाकलापों को करने से रोकना ये उचित नहीं है। उसके क्षतिग्रस्तता कारण व्यक्ति में दिव्यांगता नहीं होती है, बल्कि दमनकारी समाज, हमारे समाज के दृष्टिकोण के कारण वो दिव्यांग होते हैं। तो इसलिए ये सामाजिक प्रतिमान भी हमारे लिए जानना आवश्यक है। उसके बाद हम लोग आइडेंटिटी मॉडल या समरूपता प्रतिमान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो एक सामाजिक प्रतिमान से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति को अलग अलग पहचान की आवश्यकता है, क्योंकि अगर मैं कहीं पे भी काम करता हूं तो मेरी अलग पहचान है, कोई दूसरा व्यक्ति दूसरी जगह काम करता है तो उसकी अलग पहचान है। उसी प्रकार से हर दिव्यांग व्यक्तियों की भी अपनी पहचान होनी चाहिए। तो ये प्रतिमान ये कहता है कि हर व्यक्ति की आइडेंटिटी एस्टेब्लिश किया जाए। इसके बाद डाइवर्सिटी मॉडल, डाइवर्सिटी मॉडल या विविधता प्रतिमान, ये कहता है कि हर दिव्यांग में अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग खूबियां हैं, अलग अलग उनकी क्षमताएं हैं, तो उन विविधताओं को हमें सम्मान देने की आवश्यकता है। तो एक दार्शनिक थे जिनका नाम है निजरे, उन्होंने सामान्यीकरण सिद्धांत का विकास किया और उन्होंने कहा कि मानव की अलग अलग स्थितियां हैं, और उन्होंने ये बल दिया कि दिव्यांग व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु वातावरण की सुगम्यता को सुनिश्चित करना है, क्योंकि वातावरण ही दिव्यांगता की समस्या को और बढ़ा देता है। तो इसलिए हम लोगों को आवश्यकता है कि उनकी जो भी भौतिक वातावरण से संबंधित या पारिवारिक वातावरण से संबंधित या अन्य वातावरण से, शैक्षिक वातावरण हो, व्यावसायिक वातावरण हो, चाहे कहीं रोजगार करने वाला वातावरण हो, उन सभी वातावरण में उनकी समस्या को हमें दूर करने के लिए सुगम में वातावरण। तो इसलिए विविधता प्रतिमान इस बात पर बल देता है कि हर व्यक्ति की विविधता है, ना कि उसकी, और विविधता ही एक अद्वितीय विविधता है, क्योंकि हो सकता है कि एक बधिर व्यक्ति सुन नहीं सकता, लेकिन वो अच्छी तरह से उसको देख सकता है। तो इसलिए अगर हम
वातावरण में साइनेजेस वगैरह आदि लगाएं तो उसको आराम से हम लोग वातावरण में समायोजित कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम एक दृष्टिबाधित व्यक्ति की बात करते हैं तो दृष्टिबाधित व्यक्ति देख नहीं सकता है लेकिन सुन सकता है, तो इसीलिए हर जगह हमें अगर ऑडियो आउटपुट देने वाला यंत्र लगाया जाए जहाँ पर वो मूव करे उसको उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कैसे जा रहा हूँ। तो आजकल आप लोगों ने देखा होगा जीपीएस सिस्टम, जो आप जीपीएस ऑन कर देते हैं तो आपको कहीं जाना होता है तो वो बताता रहता है कि आगे 100 मीटर चलने पर आपको दाहिने जाना है या 200 मीटर जाने पर आपको बाएं जाना है। इस प्रकार की जो भी सुविधाएं हैं ये सुविधाएं केवल हम दृष्टिबाधितों के लिए नहीं, ये सबके लिए आवश्यक है। जो भी सुविधाएं हम जो भी वातावरण में सुगम्यता हम दिलाएंगे वो केवल दिव्यांगजनों के लिए नहीं बल्कि वो सभी के लिए उपयोगी होगा। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होते से ही ये बात पर बल दिया जाने लगता है कि सभी व्यक्तियों को मानव अधिकार दिया जाए और उस मानवाधिकार को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अनेक घोषणाएं की गई। तो उस मानवाधिकार से संबंधित जो प्रतिमान है उसको हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें ये शोधकर्ताओं के द्वारा भले ही इसको सामाजिक प्रतिमान से आत्मीयता रखने वाला माना जाता है परंतु ये सामाजिक प्रतिमान से थोड़ा भिन्न है। एक शोधकर्ता जिनका नाम है डेगनर, 2017 में उन्होंने सामाजिक प्रतिमान और मानवाधिकार प्रतिमान के बीच कुछ अंतर को उन्होंने अध्ययन किया और व्यक्त किया। सामाजिक प्रतिमान सामाजिक घटकों के साथ दिव्यांगता को समझने को बढ़ाता है जबकि मानवाधिकार प्रतिमान मानव गरिमा के आधार पर नीति निर्माण पर बल देता है, यानी हम दिव्यांगजनों के लिए कैसे नीति निर्माण करें। सामाजिक प्रतिमान केवल सामाजिक राजनीतिक अधिकारों की बात करता है जबकि मानवाधिकार प्रतिमान उपरोक्त अधिकार के साथ साथ आर्थिक सांस्कृतिक अधिकारों की भी बात करता है। सामाजिक प्रतिमान दिव्यांग व्यक्तियों को पीड़ा को नजरअंदाज करता है, यानी जो उनकी दिक्कतें हैं सामाजिक प्रतिमान उसको ये, जबकि मानवाधिकार प्रतिमान सामाजिक न्याय पर बल देता है। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है समाज में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार मिले, समान सुविधाएं मिले, सभी के साथ समान रूप से ट्रीटमेंट किया जाए। इसके अलावा सामाजिक प्रतिमान व्यक्ति की पहचान पर ध्यान नहीं देता है जबकि मानवाधिकार प्रतिमान अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक पहचान पर बल देता है। हम सामाजिक प्रतिमान में ये देखते थे कि दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में समायोजित किया जाए, लेकिन अगर समाज में समायोजित करना है तो उनकी अधिकारों के साथ हम समायोजित करें। इसके अलावा सामाजिक प्रतिमान क्षतिग्रस्तता की रोकथाम पर बल देता है लेकिन मानवाधिकार प्रतिमान उसके लिए पर्याप्त नीति बनाने की बात करता है कि जिस नीति के आधार पर हम लोग दिव्यांगता की रोकथाम करें। लास्ट में सामाजिक प्रतिमान ये कहता है कि कितने लोग गरीबी सीमा रेखा के नीचे है, कितने दिव्यांग व्यक्ति गरीब है, कितने दिव्यांग व्यक्ति अशिक्षित है, लेकिन मानवाधिकार प्रतिमा उनको जीवन को सुधारने के लिए सकारात्मक प्रयास करती है। अब आप लोग सामाजिक प्रतिमान और मानवाधिकार प्रतिमान के बीच अंतर को समझ गए होंगे, लेकिन हमें इसके साथ साथ ये भी समझना होगा कि ये जो मानवाधिकार प्रतिमान ये कैसे आया। तो हम लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किए गए प्रयास के बारे में जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो सर्वप्रथम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ मेंटल रिटार्डेड पर्सन 1971, डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन 1975, इंटरनेशनल ईयर फॉर द डिसेबल्ड पर्सन 1981, ये एक मील पत्थर माना जाता है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1981 में, अब जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा हर वर्ष को एक नए नए वर्ष के रूप में नाम दिया जाता है, तो 1981 की जो वर्ष था उसको दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषणा किया। और ये केवल घोषणा नहीं किया, उसके बाद 1983 से 1992 तक उस 10 वर्ष की अवधि को एक डिकेड के रूप में घोषित किया और सभी देशों से ये अपेक्षा किया गया कि आप लोग अपने देश में दिव्यांग व्यक्तियों से जुड़ा कानून बनाए, नीतियां बनाए और उनके लिए कार्यक्रम संचालित करें। इसके अलावा अगर हम देखते हैं 1990
89 में एक ऐसी गाइडलाइन आई कि टैलेंट गाइडलाइन के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। दिव्यांगता के क्षेत्र में जो मानव शक्ति की आवश्यकता है कि कौन विशेषज्ञ किस प्रकार के दिव्यांगों को चिकित्सित करेंगे या शिक्षित करेंगे, उसके लिए उन्होंने गाइडलाइन तैयार की। उसके बाद 1993 में यूनाइटेड नेशन ने स्टैंडर्ड रूल और इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी का निर्माण किया, और अंत में जो हम लोग सब जानते हैं यूएन सीआरपीडी 2006 या यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 का निर्माण किया। और ये पूरे विश्व में ये एक ऐसा उद्घोषणा है या कन्वेंशन है जिसके बाद दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पूरे विश्व भर में कार्यक्रम शुरू हुए। और इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र की जो क्षेत्रीय संगठन है, जैसे हमारा भारत जैसे यूएन एस्काप के अंतर्गत आता है, तो उसमें हमारे जो एशिया प्रशांत के क्षेत्र में जितने भी राष्ट्र है वो लोग भी अपना एरिया में अलग अलग संगठन बनाकर दिव्यांग व्यक्तियों को, कैसे आप सुने होंगे विवा को मिलेनियम फ्रेमवर्क, इंचियन रणनीति, इस प्रकार की बहुत सारे नाम सुने होंगे जो जिनके माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन को सरस बनाने के लिए कोशिश किया जाता है। उसके बाद आते हैं सांस्कृतिक प्रतिमान। सांस्कृतिक प्रतिमान ये कहता है कि हर व्यक्तियों की हर समाज में एक अलग अलग संस्कृति है, और उन संस्कृति में उनकी भाषाएं अलग है, उनकी पहनावे अलग है, उनकी खान पान अलग है। उसी प्रकार से जैसे अगर हम देखें बधिर लोग अपने आप को एक अलग संस्कृति का मानते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो डेफ कल्चर है हम उसमें उन लोगों को शामिल करेंगे जो लोग सांकेतिक भाषा की जानकारी रखते हैं, और जो सांकेतिक भाषा की जानकारी नहीं रखता है उनको वो लोग शामिल नहीं करते हैं। तो भले ही वो सुनने वाला हो लेकिन उसको सांकेतिक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। केवल बधिर होने पर वो अपने संस्कृति में उसको शामिल नहीं करते हैं, बल्कि सामान्य सुनने वाले लोगों को भी अपने संस्कृति में। तो इसका भी उदय हुआ अमेरिका जैसे देश में। उसके बाद एक और नया प्रतिमान जिसको हम कंज्यूमर मॉडल कहते हैं या एम्पावरमेंट मॉडल कहते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग आजकल प्राइवेट स्कूलों का जमाना है, सरकारी संस्थाओं में बच्चों को डालना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन जब हम प्राइवेट स्कूल में डालते हैं तो हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। जब हम ज़्यादा पैसा देते हैं तो हम उस स्कूल के लिए हम एक कंज्यूमर हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से दिव्यांगता के क्षेत्र में भी निजी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं काम करती हैं, तो उसमें ये हक होता है व्यक्ति को वो कहाँ जाए, अपने बच्चे की शिक्षा के लिए, इलाज के लिए, चाहे उसके ऑपरेशन के लिए कहाँ जाए। तो ये जो उपभोक्ता प्रतिमान ये कहता कि हर व्यक्ति एक उपभोक्ता है और उसको ये चुनने का अधिकार होना चाहिए कि वो जितने भी उत्पाद या जितने भी सेवाएं उपलब्ध है बाजार में उनमें से उसको चुनने का अधिकार है, उसको कोई जबरदस्ती उसको नहीं दे सकता। और सशक्तिकरण प्रतिमान ये कहता है कि जितने भी पुनर्वास सेवाएं हैं वो व्यक्तियों की स्थिति के सुधार के साथ साथ उसको समर्थ बनाना कि वो आने वाले उसके जीवन में वो किसी दूसरे पर निर्भर ना रहे। तो इसलिए सशक्तिकरण प्रतिमान और उपभोक्ता प्रतिमान ये 1990 के दशक के बाद आया हुआ प्रतिमान, और 2000 के बाद 2000 की जो दशक है उसके बाद एक और नया प्रतिमान आया जिसको हम लोग अर्थशास्त्रीय प्रतिमान कहते हैं। अर्थशास्त्रीय प्रतिमान से तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति एक कामगार है, उसको काम चाहिए, और अगर वो काम नहीं करता है तो बेरोजगार होता है, और बेरोजगार होने पर वो समाज के लिए कोई भी कार्य को नहीं कर सकता है। तो इसलिए समाज में राष्ट्र के लिए उसको अगर योगदान करना है तो उसको रोजगार मिलना चाहिए। तो अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण ये कहता है कि दिव्यांग हो चाहे सकलांग हो सभी को रोजगार मिलना चाहिए, और जैसे जितने भी दिव्यांग व्यक्ति हैं जो जनसंख्या में, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कहता है कि पूरे आबादी के 15% लोग दिव्यांग हैं, और 15% लोगों को अगर रोजगार ना दिया जाए तो हमारे जो GDP या सकल घरेलू उत्पाद पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो WHO और वर्ल्ड बैंक ने इस प्रकार की स्टडी करके अलग अलग परिणाम दिए हैं, और ये देखा गया है कि अगर उनको हम शामिल नहीं करते तो हमारे GDP में लॉस होता। तो इसलिए अगर अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से दिव्यांग व्यक्ति को अगर हम देखें तो उनको हमें रोजगार देने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। तो
तो ये जितने भी प्रतिमान हम लोगों ने अध्ययन किया उसको एक बार हम लोग रिवाइज करने के लिए तुलना कर लेते हैं कि कौन सा प्रतिमान किसके लिए, और उन तुलना के लिए हम लोग उसकी समयावधि, उसमें दिव्यांग व्यक्तियों की स्थिति और समावेशन पर उसका प्रभाव को अध्ययन करने पर हम जानकारी प्राप्त कर सकते। धार्मिक एवं नैतिक प्रतिमान पुराने समय प्राचीन समय में होता था, जिसके द्वारा जिस समय में यह देखा जाता था कि दिव्यांग व्यक्ति समाज के द्वारा उपेक्षित होते थे, उनको समाज में कोई सही स्थान नहीं मिलता था, तो उनका संपूर्ण बहिष्करण यानी समावेशन की अगर हम बात करें, उनका संपूर्ण बहिष्करण होता था, कंप्लीट एक्सक्लूजन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन द सोसाइटी। उसके बाद धर्मार्थ प्रतिमान में यह हुआ कि ये यूरोप में 1800 सदी से शुरू हुआ और उसमें दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति दया सहानुभूति दिया गया और अलौकिक और चमत्कारी शक्तियों के द्वारा उनके इलाज की बात कही गई। फिर भी अगर आप देखें तो दिव्यांग व्यक्तियों के समावेशन से संबंध अगर देखेंगे हम लोग तो उसमें ये होता था कि उनको अभी भी समाज से अलग कर दिया जाता था, क्योंकि उनके लिए अलग से कोई आश्रय स्थली बनाया जाता था, उनके लिए कोई पागलखाने बनाया जाता था। तो ये भी एक अच्छा चरण नहीं था जिस समय हम लोग दिव्यांग व्यक्तियों की स्थिति को अध्ययन करें। उसके अलावा चिकित्सीय प्रतिमा हम लोग जैसे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ये एक सकारात्मक सोच रखता है, लेकिन उसने जो शब्द दिए दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वह सब गलत थे। उन्होंने हैंडीकैप शब्द दिया, उन्होंने क्रिपल्ड दिया, उन्होंने स्पेस्टिक दिया, उन्होंने रिटायर्ड दिया, उन्होंने इनवैलिड भी कहा कि ये लोग इनवैलिड हैं, और डिसेबल्ड शब्द भी अपने आप में इनएबिलिटी को शो करता है। लेकिन साथ साथ अगर दिव्यांग व्यक्तियों के समावेशन की बात करें तो उन्होंने कहा कि इनके लिए विशिष्ट हस्तक्षेप यानी स्पेशलाइज्ड इंटरवेंशन के द्वारा हम लोग इनकी इलाज कर सकते। तो कुछ ना कुछ बदलाव तो हुआ, लेकिन उसके बाद सामाजिक प्रतिमान को अगर हम देखें, 1950 और 60 के दशक के बाद इस सामाजिक प्रतिमान की शुरुआत हुई। इसमें व्यक्ति की स्थिति को वातावरण के साथ जोड़ते हुए यानी समाज के साथ जोड़ते हुए, समाज जो कि एक गलत भावना रखती थी उस भावना को बदलने के लिए उन्होंने कहा कि हमें वातावरण में बदलाव लाएंगे तभी वो दिव्यांग जो है हमारे साथ शामिल हो सकेगा। तो सामाजिक बाधाओं को दूर कर सुगम्यता एवं समानता को सुनिश्चित करना या समेकित करना, जिसको इंटीग्रेशन कहते हैं, जो एक कंप्लीट एक्सक्लूजन होता था या जो स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन होता था, अब वो इंटीग्रेशन में बदलाव हुआ। इंटीग्रेशन का मतलब है कि अब हम आप लोगों को शामिल करेंगे, अगर आप लोगों में हम लोगों की जैसी क्षमता है तो आप बस हमारे साथ समाज में समायोजित हो सकते। उसके बाद समरूपता प्रतिमान, वो भी 1950 से 60 के दशक में शुरू हुआ, जिसमें सकारात्मक पहचान हेतु दिव्यांग व्यक्तियों को लड़ाई लड़ने की बात कही गई। आंदोलन बहुत हुए कि उनकी अलग आइडेंटिटी है, उनको जो समाज पहले से नजरअंदाज कर देता था उस नजरअंदाज को दूर करके उनकी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए ये प्रतिमान बात करता है। और यहाँ पर जो बात होती है इक्वालिटी, जैसे आप हैं वैसे हम। अगर एक दिव्यांग व्यक्ति की कोई विशिष्ट आवश्यकता है तो सामान्य व्यक्ति की भी कुछ विशिष्ट आवश्यकता है। जैसे मैं पेंटिंग नहीं कर सकता हूँ अच्छे से तो ये मेरी विशिष्ट आवश्यकता है, लेकिन अगर एक बधिर व्यक्ति अच्छा पेंटिंग कर लेता है तो उसकी खूबियां। तो हर व्यक्ति की एक अपने अपने आइडेंटिटी है। उसके बाद हम डाइवर्सिटी मॉडल की बात करते हैं, ये भी 1950 से 60 के दशक में शुरू हुआ और इसमें विविधता को प्राथमिकता, शिक्षा एवं रोजगार को शामिल करने पर जोर दिया गया। शिक्षा एवं रोजगार अगर हम सुनिश्चित करेंगे उनकी विविधता को हम लोग सुनिश्चित कर सकेंगे। और ये कहा कि वातावरण और परिस्थिति और व्यक्ति, ये तीनों के बीच में संतुलन होने की आवश्यकता है। वातावरण, क्योंकि हमारे लिए बाधा रहित वातावरण अगर होता है तो हम लोग, लेकिन अगर बाधा सहित होता है तो हम लोग उस वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। तो यहाँ पर समावेशन है तो बाधाओं को दूर करने के लिए बहुत जोर दिया है। उसके बाद मानवाधिकार प्रतिमान, वो भी 1950-60 के दशक से शुरू हुआ, जिसमें नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार के साथ
व्यक्ति को एक नागरिक के रूप में, जैसे एक सकलांग है ऐसे एक दिव्यांग है, दोनों इन सभी अधिकारों को लेकर समाज में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि समावेशन तो होगा लेकिन पूर्ण अधिकार के साथ, ये नहीं कि किसी दया या सहानुभूति के कारण हम उसको समावेशित करें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सांस्कृतिक प्रतिमा, 1990 के बाद शुरू हुआ और यहाँ पर उन्होंने जो दिव्यांग व्यक्तियों के द्वारा संस्थानिक पुनर्वास, यानी जो उनको विद्यालयों में डाला जाना या उनके ऊपर कोई फिल्म बनाया जाना, उसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे संस्कृति का छवि इससे धूमिल होगा तो हम लोग इस प्रकार की प्रतिमान को, इस प्रकार के समाज में हम लोग अपने आप को स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए ये उसका विरोध करते हैं कि अगर हमारे साथ समायोजित होना चाहते हैं या समावेशी हम लोगों को बनाना चाहते हैं तो आप हमारे जैसे सोशल को पहले हासिल करिए, उसके बाद आप हमारे साथ समावेशित हो। तो इसको हम क्रॉस इंक्लूजन कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि सामान्य कक्षा में दिव्यांग व्यक्तियों का शिक्षा देना वो समावेशन है, लेकिन ये गलत है। समावेशन में सबका बराबर की हिस्सेदारी है और ये चीज सांस्कृतिक पहचान, सांस्कृतिक प्रतिमा कहता है। उसके बाद उपभोक्ता या सशक्तिकरण प्रतिमा, ये वैश्वीकरण जब हुआ उसके पश्चात इस प्रकार की प्रतिमा, यानी हर व्यक्ति को एक उपभोक्ता के रूप में उसके सशक्तिकरण करने पर जोर दिया और अधिकार हेतु पक्ष जुटाना, जबरदस्ती किसी भी विकल्प को चुनने का विरोध। हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई माता पिता हमारे पास आते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं इसको उसी स्कूल में डाल दो जबरदस्ती, जबकि उस माता पिता की इच्छा नहीं होती। तो ये चीज उपभोक्ता प्रतिमान में इस बात पर बल दिया गया है कि हर व्यक्ति का अपना चुनने का अधिकार होगा, आपको सेवाओं के विकल्प देने होंगे, बताने होंगे, उपलब्ध कराने होंगे, तब जाके वो उसको चुनकर अपना सशक्तिकरण स्वयं करेगा। और आखिरकार जो प्रतिमान हम लोग जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो है अर्थशास्त्रीय प्रतिमा, ये भी 1990 के बाद, जहां पर ये हुआ कि इकोनॉमिक्स एंड डिसेबिलिटी, अर्थशास्त्र एवं दिव्यांगता, ये दोनों विषय को जोड़कर देखा गया कि अर्थशास्त्र जो देखता है हमारे डिमांड क्या है, हमारे सप्लाई क्या है, हमारे इनकम क्या है, हमारे एक्सपेंडिचर क्या है, ये सारी चीजों को देखता है। तो अगर हम सप्लाई को देखें कि हमारे लेबर कितने हैं हमारे पास, अगर है तो वो क्यों किस प्रकार है, सेमी स्किल्ड है, स्किल्ड है या नॉट स्किल्ड है, तो उसी प्रकार से हम लोग को दिव्यांग व्यक्तियों को भी तीन कैटेगरी में बांटने की जरूरत है कि कुछ स्किल होंगे, कुछ सेमी स्किल्ड होंगे, कुछ अनस्किल्ड होंगे, लेकिन उनके स्किल के अनुरूप उनको रोजगार देकर हम समाज में समायोजित कर सकते हैं। तो ये जो प्रतिमान समावेशन के साथ जो संबंध रखता है, यह कहता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन या आर्थिक समावेशन, क्योंकि अगर आपके पास रोजगार नहीं होगा तो आप अपने गुजारा कैसे चलाएंगे, तो इसलिए दिव्यांग व्यक्तियों को भी रोजगार की आवश्यकता है। तो साथियों, आज हम लोगों ने कुल 10 प्रतिमान के बारे में जानकारी प्राप्त की है और जिस जानकारी को हासिल करने पर हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हम दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति किस दृष्टिकोण से देखें। और भारत में अगर इन प्रतिमानों को तुलनात्मक रूप से देखें तो अभी भी हमारे यहाँ पर वही प्रतिमान जिंदा है जो धर्मार्थ प्रतिमान या धार्मिक प्रतिमान, अभी भी अंधविश्वास है कि ये किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण वो दिव्यांगता हुई है। और ये भी हम लोग मानते हैं कि उनको दया की जरूरत है, उनको सहायता की आवश्यकता है। हम लोग कभी सशक्तिकरण या उनकी विविधता, उनकी पहचान करना, अगर अभी भी भारत में आप देखेंगे कि जो एवरेज एज ऑफ आइडेंटिफिकेशन वो 2.5-3 साल होता है, तब उस पेरेंट्स को पता चलता है कि हमारे बच्चे में कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी है, और अगर है भी तो उसके लिए जो चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए वो भी सभी जगह उपलब्ध नहीं है, और है भी अगर तो अवहेलना के कारण दिव्यांग व्यक्तियों को उस प्रकार की सुविधाएं या सेवाएं नहीं मिल पाती। और शैक्षिक की अगर हम बात करें, शिक्षा की बात करें, भारत में अनेक जगहों पर अलग अलग संस्थाएं खोले गए हैं, परंतु हम लोग अभी भी दिव्यांग व्यक्तियों को उन वहां तक पहुंचाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे, और ज्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं उनको आवासीय विद्यालय में दाखिला देकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर बच्चा घर पर ही रहे, माता पिताओं के साथ रहे, साथ रहकर पढ़ाई करे,
और जो बाल्यकाल है जिसमें माता पिताओं की ज्यादा भूमिका होती है, उस समय पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को हॉस्टल में छोड़ देते हैं, जो अपने आप में गलत है। तो इन सभी प्रतिमानों को आप लोग एक बार और अध्ययन करें और इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें, और तथा ये देखें कि ये प्रतिमान भारतीय परिस्थितियों में कैसे अपनाया जा सकता है। और जो आखिरी प्रतिमान हमने कहा कि उनको अर्थ नीति में जोड़ना है, अर्थात हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर जब तक नहीं जोड़ेंगे दिव्यांग व्यक्तियों को, तब तक हमारा समावेशन, जो हम शैक्षिक समावेशन, सामाजिक समावेशन, तब तक सफल नहीं हो सकेगा जब तक उनका आर्थिक समावेशन नहीं। तो आज आपको ये जानकारी देने के बाद मुझे लगता है कि आप लोगों की सीखने की जो ललक है उसमें वृद्धि होगी। तो मैं इस आशा के साथ इस वक्तव्य को विराम देता हूँ कि आप लोग दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति जो भी दृष्टिकोण है उसमें बदलाव लाएंगे, समाज में बदलाव लाएंगे। धन्यवाद।